रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं वसीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग मेरी वीडियो का थंबनेल देख के बड़े हैरान हो रहे होंगे कि सर को क्या हुआ, केमिस्ट्री से फ़िज़िक्स पर क्यों आ गए और आज फ़िज़िक्स का गैस कैसे आ गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जो कमेंट्स होते हैं और आपकी जो फरमाइशें होती हैं उनको पूरा करना मैं अपने लिए एज़ाज़ समझता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप आके कमेंट करते हैं और आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर भी वीडियो बना दें। तो एक हमारी स्टूडेंट हैं बड़ी अच्छी, उन्होंने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ आप फ़िज़िक्स का कोई ज़बरदस्त किस्म का गैस ले आएँ। तो एक बड़ा शानदार मैं गैस ले कर आया हूँ। हर चैप्टर से सिर्फ आपने दो दो क्वेश्चन तैयार करने हैं, इंशाल्लाह बड़े पक्के क्वेश्चन हैं, इन्हीं से पेपर आएगा। और हर चैप्टर से सिर्फ दो दो न्यूमेरिकल, यानी कि एक एग्जांपल एक न्यूमेरिकल, एक एग्जांपल एक न्यूमेरिकल, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा जो मैं वीडियो के एंड में कहता हूं, आज मैं शुरू में कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मैं लिस्ट देखता हूँ ना एनालिटिक्स में जाके, मैं देखता हूँ तो नॉट सब्सक्राइब जो मेरे व्यूअर्स हैं वो 70% और जो सब्सक्राइब जो मेरे व्यूअर हैं वो 30% है। तो ये मोहब्बत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बड़ी मोहब्बत से वीडियोज़ बनाता हूँ। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशें पूरी की जा सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो है ना वीडियो को आप समझा करें। आज तो चलें फिज़िक्स की है, केमिस्ट्री में तो मैं साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ उनके हिंट बताता हूँ कि इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है, इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन को आप लोग समझा करें, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा इस हमारे चैनल पर PDF फाइल के जो नोट्स हैं वो मैंने आज मेंशन भी किया, कुछ लोग उनको सेल कर रहे हैं, कुछ चैनल्स के जो लोग हैं कॉपी करके उनको सेल करते हैं। तो आपने इस चक्कर में नहीं आना, आप हमसे फ्री हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात थी कि यहाँ पर केमिस्ट्री और फिज़िक्स और बाकी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर के अलावा जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं उनको शेयर किया जाता है। तो अगर आपका ऑथेंटिक न्यूज़ से कोई ताल्लुक है, जैसे रोल नंबर स्लिप्स का हो गया, प्रमोशन का हो गया, एग्ज़ाम्स का हो गया, तो वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो स्टार्ट करने लगे हैं आज के क्वेश्चंस। तो फिज़िक्स का 2021 का एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत सबसे ज़बरदस्त किस्म का गैस है और वो ये है कि चैप्टर नंबर 12 से आपने दो क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन है गाजीज ला, उसकी एप्लीकेशन नंबर 2 और 3, सिर्फ ये आपने तैयार करनी है। दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज, ये दो क्वेश्चन आपने तैयार कर लेने, इंशाल्लाह इन्हीं से पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 13 के भी आपने दो क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा पोटेंशियोमेट्री। चैप्टर नंबर 14 के भी आपने दो क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, डिफाइन एम्पर्स ला, एक्सप्लेन फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनाइड और पार्ट बी टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉयल। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 से भी आपने दो क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और एसी जनरेटर। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 से भी आपने दो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर लेने हैं, इनसे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होगी, एसी थ्रू कैपेसिटर और आरसी सीरीज सर्किट एंड आरएल सीरीज सर्किट, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 से भी आपने दो क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, स्ट्रेन एनर्जी, बड़ा ज़बरदस्त लॉन्ग क्वेश्चन है, और एनर्जी बॉन्ड क्यूरी, ठीक है जी। दो क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं, यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, अगर आप इनको अच्छा तैयार करेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी फिट हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 18 से भी आपने दो क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, रेक्टिफिकेशन एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। चैप्टर नंबर 19 से भी आपने दो क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, कॉम्पटन्स इफेक्ट एंड डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 20 पर, यहाँ से भी आपने दो क्वेश्चन तैयार कर लेने, पार्ट ए बोहर्स मॉडल पास्टुलेट और पार्ट बी इनर शेल ट्रांजिशन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज, इनर शेल ट्रांजिशन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज। चैप्टर नंबर 21 21वें चैप्टर से भी आपने दो क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, रेडिएशन डिटेक्टर और दूसरा बड़ा ज़बरदस्त लॉन्ग है न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये उस बंदे ने बनाए हैं जिसका अपना 10 साल का एक्सपीरियंस है फिज़िक्स पढ़ाने का। तो इस साल के इंशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, इन्हीं से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। फिज़िक्स में ज़्यादातर आप एक्सरसाइज के शॉर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट पूरे हो जाएंगे। 5 साल के आपने MCQs कर लेने हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट कर लेने और ये आपने लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेने। इसके अलावा मैं आपको न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ, न्यूमेरिकल मैं आपको हर चैप्टर से बताऊँगा, वो आप लिख लें न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अब अजान होने वाली है, मैं नहीं चाहता कि मैं इसको रेज़ करके दोबारा लिखूँ और नमाज का टाइम जाए या अभी अजान वगैरह होने लग जाए। तो आप जल्दी जल्दी ना उसको लिख लें, पेंसिल उठाएं और लिखें न्यूमेरिकल्स। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 12 जो है
उसकी आपने एग्जाम्पल नंबर 12.6 मुझे रेज करना ही पड़ गया, पता नहीं आपको समझ आया कि नहीं। चैप्टर नंबर 12। अच्छा जी, अजान होना शुरू हो गई है, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और लिख लेता हूँ। चलें इतने अजान हो लेती हैं और लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपके लिए इतनी देर में लिख देता हूँ, इतने अजान भी हो जाए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिक क्वेश्चंस बताने के बाद मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स लाएँ, और आप यकीन करें इतना कन्फर्म गैस आपको कोई भी नहीं देगा, इतना लिमिटेड गैस आपको कोई भी नहीं देगा फिजिक्स का। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स को मैंने एक कैटेगरी में लिख दिया है और न्यूमेरिकल्स को मैंने एक कैटेगरी में लिख दिया है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करने लगते हैं हम के कौन कौन सी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स करनी है। चैप्टर नंबर 12 की अगर आप बात करें तो चैप्टर नंबर 12 में आपने 12.6 एग्जाम्पल, छठी एग्जाम्पल और सातवां न्यूमेरिकल, बस ये करना है, ठीक है ना। अगर चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो 13.4 चौथी एग्जाम्पल और दो न्यूमेरिकल यहाँ से 13.4 एंड 13.5, ये बस आपने दो न्यूमेरिकल करने हैं। अच्छा जी, अगर हम चैप्टर नंबर 14 की बात करें, नो एग्जाम्पल, 14 की कोई एग्जाम्पल नहीं करनी, 14 का सिर्फ पांचवा न्यूमेरिकल करना है 14.5। एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करें तो नो एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल नहीं करनी चैप्टर नंबर 15 की, 15.4 चौथा न्यूमेरिकल और 11वां न्यूमेरिकल, बस दो न्यूमेरिकल करने हैं। चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो नो एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल नहीं करनी, 16.3 तीसरा न्यूमेरिकल और छठा न्यूमेरिकल करना है। बात को समझ लेना अच्छी तरह, कभी इनको मिक्स करते फिरो, यहाँ एग्जाम्पल है और यहाँ न्यूमेरिकल है। अगर 17वें चैप्टर की बात करें तो नो एग्जाम्पल और इसका सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल करना है, दूसरा न्यूमेरिकल। 18वें की बात करें तो नो एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल नहीं करनी, दो न्यूमेरिकल करने, 18.1 और 18.5 पहला न्यूमेरिकल और पांचवा न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 19 की अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल करनी 19.8, आठवीं एग्जाम्पल करनी है, 19.5 19.9 नहीं करनी, यानी कि पांचवीं और नौवीं एग्जाम्पल नहीं करनी। चैप्टर नंबर 20 की बात करें तो कोई एग्जाम्पल नहीं करनी, सिर्फ एक न्यूमेरिकल करना है 20.5। चैप्टर नंबर 21 लास्ट चैप्टर की बात करें तो कोई एग्जाम्पल नहीं करनी, सिर्फ दो न्यूमेरिकल करने हैं, 21.1 पहला न्यूमेरिकल और 21.2 दूसरा न्यूमेरिकल। अच्छा बच्चों, कुल मिला के मैंने आपको कितने न्यूमेरिकल बता दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, ये देखो भाई पूरी किताब के 19 न्यूमेरिकल। अब देखो, मुझे अफसोस कसम से उन लोगों पे होता है जो ना फिर ये 19 न्यूमेरिकल भी नहीं करते, फिर हमें आके रो रहे होते सर आपने गैस दिया और हम फेल हो गए। अफसोस तो उन लोगों पे ना जो 19 भी ना करे, वो थोड़े 10-12 लॉन्ग क्वेश्चन बताएं वो भी ना करें। बेटा कर लो, कसम से आपके साथ अल्लाह माफ़ करे, अगर आप लोग ये भी ना करें तो काम ख़राब होने वाला है। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप इतना लेज़ी ना हो तो आपको खींचने वाली करें, आपके पेपर बड़े नज़दीक हैं। केमिस्ट्री की वीडियो में फ़ौरन इसके बाद लेके आ रहा हूं। अब अगर किसी ने बायो की रिक्वेस्ट की तो मैं इंशाल्लाह बायो के जो हमारे बड़े गहरे दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और बायो का भी मैं गैस बनवा लाऊँगा। जो फिजिक्स का भी मैंने 2-3 दिन में उनके पीछे लगा रहा हूँ, तो मैं फिजिक्स का गैस बनवा लाया हूँ, ठीक है ना। बायो का भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आप जो है ना केमिस्ट्री के लिए जुड़े रहें, और देखो पाकिस्तान का पहला चैनल है जो फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, फ्री में गैस प्रोवाइड कर रहा है। अदरवाइज़ लोग नोट्स के पैसे मांगते हैं। कोई बंदा जो है ना यूट्यूब पर आप लाखों वीडियो देखेंगे गैस पेपर की, कोई बंदा भी जो है ना लिख के नहीं दे रहा, पता क्या लिखने का, स्क्रीन शॉट लेते हैं बच्चे और चले जाते हैं, लेकिन हम फिर भी आपको लिख के देते हैं कि चलो कम अज़ कम यार इनकी अकल में आ जाए, कोई गलती ना कर दें। वरना लोग क्या करते हैं, वरना लोग ये करते हैं पेपर उठाते हैं, हाँ जी पेंसिल निकाल ले, नोट कर ले, ये लिख ले, फलाना लिख ले, ये लिख ले, ये लिख ले, ताकि आप वीडियो से जुड़े रहें। मैं आपके लिए कोई जो रिस्ट्रिक्शन नहीं करता, फ्री चैनल है, जिसने समझना है समझे, जिसने सिर्फ क्वेश्चन चाहिए स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेके चला जाए। मेरी बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप दिल लगाकर पढ़ें, और अल्लाह ताला से एक यही दुआ है कि हमारे तमाम स्टूडेंट जो है वो कामयाब हो जाए और इल्म हासिल करने का इनका जो मकसद है वो पूरा हो जाए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।